आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने सीएम नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से माफी की मांग की है। गुरुवार को विधानसभा परिसर में मीडिया से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि वे महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। मैं ललन सिंह से पूछना चाहती हूं कि उनकी माँ और पत्नी कितनी पढ़ी लिखी है, कितना पढ़ाया है उनको जो वो दूसरी महिलाओं पर आरोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बार बार महिलाओं का अपमान करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। बता दें कि बजट को झुंझुना बताने वाली राबड़ी देवी के बयान पर दिल्ली में जब ललन सिंह से सवाल किया गया था तो उन्होंने पूर्व सीएम पर तंज कसते हुए कहा था, राबड़ी देवी कितना लंबा साइन करती है, इसे कभी देख लीजिए, बजट जैसी चीज उनको कहां समझ में आएगी। वहीं बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में मसौढ़ी विधायक रेखा देवी पर टिप्पणी करते हुए कहा था, अरे महिला हो कुछ नहीं जानती हो। सदन में नीतीश कुमार ने दलित महिला का अपमान किया है। मसौढ़ी विधायक को कहा कि महिला हो कुछ आता नहीं है, हम ही लाए हैं। वहीं ललन सिंह ने मुझे लेकर कहा कि इतना लंबा साइन करती है, बजट क्या समझ में आएगा। मैं ललन सिंह से पूछना चाहती हूं, उन्होंने अपनी माँ अपनी पत्नी को कितना पढ़ाया लिखा है जो दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। सर्टिफिकेट दे कि उनकी माँ और पत्नी कितनी पढ़ी है। महिलाओं का अपमान करते हैं, सीएम और ललन सिंह को माफी मांगना चाहिए। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।